रामबन के एडीडीसी नवाबदीन ने कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टर को यूटी कैपेक्स बजट के तहत जिला रामबन के किसानों की आय दुगनी करने के लिए सौंपा। इस अवसर पर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एमजी सिंह, लाभार्थी जैन निसार अहमद और विभिन्न विभागों के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए एडीडीसी रामबन ने बताया कि कृषि विभाग ने जिला के किसानों को 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का भी वितरण किया, ताकि वे अपना समय बचाने के लिए श्रम लागत के मुकाबले कृषि उत्पादन को बढ़ा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के बजट के तहत लाभार्थियों के लिए 23 पावर टिलर का भी वितरण किया गया है। जो किसान बुनियादी तौर पर जमीन पर काम करता है, उसकी इक्तसादियात को, उसकी जिम्मेदारी को बेहतर बनाने के लिए उसको जितनी जदीद तकनीक, जदीद मशीनरी जो है वो मुहैया की जाए, और ट्रैक्टरों को प्रोवाइड करना उनमें से उसका एक हिस्सा है। तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो टारगेट था जहाँ वो 58 का था, 58 का, तो उसमें से अभी तक इन लोगों ने 23 को दे दिया है, और उनका एक सिलसिला ये था जिसकी कीमत जो है 8 लाख रुपये है, लेकिन जिसमें से इसको 4 लाख जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ताकि इस आदमी को अपनी तरफ से इसने जो देना है ओरिजिनल, वो 4 लाख रुपया देना है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं।